हमने बस एक थॉट दिया था कि हमें घर कैसा चाहिए, टोन कैसा चाहिए, बट ओवरऑल कहाँ क्या होगा, किस कलर से क्या जाएगा, वो सब थैंक्स टू निधि, वी आर प्रीटी हैप्पी विद दैट। हाय गाइस, सुशांत जैन दिस साइड, वेलकम बैक टू आवर चैनल वुडोफोन। सो आज मैं आपके सामने एक नई फैमिली, एक नया घर और एक नई लाइफ स्टोरी जो इस घर को बनाने में लगी उसके बारे में डिस्कस करने आया हूँ। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम Avrinder and Menka. So please introduce yourself. Hi, I'm Avrinder. I work as a IT manager in a SaaS company, and this is my wife Menka. I would like to ask her to introduce herself. Hi, my name is Menka, and I'm also working in IT. And we'll over the time we'll just showcase you and demonstrate and speak to you about how our journey was while working with Woodofa. Lovely. So इस घर को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत करी और role play किया, तो उसमें अवरिंदर मेनका का जितना रोल था उससे अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल डिजाइनर का भी था। सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर डिजाइनर हियर इन दिस प्रोजेक्ट, निधि शर्मा। निधि, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय गाइस, आई एम निधि, आई एम डिजाइनर एट Woodofa। आई हैव डिजाइन्ड दिस ब्यूटीफुल होम फॉर अ ब्यूटीफुल कपल, हियर दे आर। सो लवली, थैंक यू। सो गाइस, अब हम नॉर्मल जर्नी की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले बताओ कि आपने घर क्यों लिया Apex में ही? So why did you, thought of buying the house here in Apex Athena? Okay, so there were few things. So सबसे पहला था, मेरा क्राइटेरिया ऐसा नहीं था, मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया मेरे वाइफ के थे, मेहनत के। सो सबसे पहला था कि कोई हमें बड़ी सोसाइटी नहीं लेनी है। जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं जहाँ पे वॉक करना पड़ता है सोसाइटी के अंदर बहुत सारा अपने घर तक पहुँचने के लिए। सो इनका था कि ऐसा कोई घर नहीं लेना जहाँ पे वॉक करने के लिए पहुँचना हो, एंटर करो घर के अंदर। सो Apex वहाँ क्राइटेरिया को फिट बैठता था। देन हमारा एक और क्राइटेरिया था, ऑफ कोर्स अगेन ये इनका क्राइटेरिया था कि हर रूम में हमें सनलाइट आनी चाहिए। अगेन वो क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो रहा था। सो ये दो बेसिक क्राइटेरियाज थे। और दूसरा, इस सोसाइटी में कभी सफोकेटेड फील नहीं होता है। सो वी नेवर फील सफोकेटेड। अगर आप बाहर जाओ तो लॉबी इज वाइड ओपन, घर के अंदर भी कोई सफोकेशन नहीं होती है। ऑल रूम्स आर लाइक कॉर्नर रूम्स। सो दैट्स व्हाई वी सेलेक्टेड Apex। लवली, तो अब आपके बारे में बात करें तो आप ही को बताना पड़ेगा क्या और क्यों। एक्चुअली आई एग्री विद व्हाटएवर ही सेड। सो मतलब सबसे पहले तो ये था कि अगर बड़ी सोसाइटी है तो एक तो होता है ना, जब हम ऑफिस से पहले, जैसे अभी तो कोविड टाइम पे है तो वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, बट जैसे पहले होता था वी यूज टू कम बैक फ्रॉम होम, और होम में आने के बाद लगता है कि अच्छा अब घर में घुसो, थोड़ा रेस्ट करो। बट यहाँ पे आके ऐसा मतलब बड़ी सोसाइटीज में होता है कि आप पहले जाओ, फिर अच्छा और अंदर जाओ, फिर और अंदर जाओ, अपना टावर ढूंढो, फिर अपना टावर में अपना वो फ्लोर। सो इट्स लाइक ये जाओ जाओ, फाइनली आप घर पे नहीं पहुंच रहे हो। तो यहाँ पे द जर्नी बिकम्स लेस, आप घर पे आप फाइनली पहुंच जाते हो। सो दिस इज वन ऑफ द सोसाइटीज जहाँ पे, हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक पार्क है जो बहुत बड़ा है। जनरली हमने सोसाइटीज में देखा है कि जो पार्क एरिया होता है बच्चों को खेलने के लिए, बहुत छोटे छोटे स्मॉल सेग्रीगेटेड पार्क्स होते हैं। मतलब वी एक्सपेक्ट कि अच्छा बड़ा सा पार्क हो, हम लोग वॉक वॉक करें, बेबी को लेके जाएं, बिकॉज वी हैव अ वन ईयर एंड हाफ ईयर ओल्ड टॉडलर, उसको भागना दौड़ना पसंद है, बॉल से वो किक करता है, थ्रो करता है, देखता है दीदी भैया को खेलते हुए। सो वी वॉन्टेड अ सोसाइटी जहाँ पे थोड़ा पार्क का एरिया बड़ा हो, बच्चा थोड़ा देखे, प्लेग्राउंड का एरिया भी अलग से हो, यहाँ पे सोसाइटी में फुलफिल होता है क्राइटेरिया। सो ये सब क्राइटेरियाज हैं, एक तो एरिया बड़ा है प्लस पार्क है, तो ये सब फुलफिल हो रहा है, प्लस हमारे रूम्स भी यहाँ पे वेल वेंटिलेटेड हैं। सो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ हमारी मेजर क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे थे, दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड फॉर Apex। लवली, सो गुड टू हियर। सो इफ यू आर सीइंग एज अ व्यूअर, आप सोचो कि एक सोसाइटी को चूज करने से पहले कितना सारा कुछ रिसर्च करना पड़ा। सो आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ वेरी इजी जॉब, बिकॉज चाहे वो घर है चाहे वो इंटीरियर्स है, आप बहुत मेहनत का पैसा खर्च करते हो। And we are all in a similar upper middle class kind of a segment, और हमारे पास कुछ बहुत सारा पैसा नहीं है। सो जो पैसा है उसको अच्छे से यूज करना है एंड उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। ओके, सो व्हेन यू बॉट दिस हाउस, तो अब ना आप आगे की सोची, तो आपने घर में डायरेक्टली शिफ्ट होने की क्यों नहीं सोची और इंटीरियर्स करने की क्यों सोची? सो आई थिंक एक पॉइंट और रह गया था, जो एक और क्राइटेरिया था, वो मेरा क्राइटेरिया था एक्चुअली। सो मुझे रॉ फ्लैट चाहिए था क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपना घर बनवा सकूं। सो मोस्टली वो अपार्टमेंट्स आउट ऑफ द स्कोप थे हमारे लिए, जहाँ पे पहले से वार्डरोब या किचन बना हुआ था। सो हमें रॉ फ्लैट चाहिए था क्योंकि मेरा शुरू से था कि जो भी बनेगा वो हमारे पसंद से और हमारे तरीके से बनेगा। सो कमिंग टू योर आंसर, आई थिंक आधा हिस्सा मैंने उसमें जवाब दे ही दिया है कि क्यों शिफ्ट नहीं करना चाहता था मैं।
सो बिल्कुल हम चाहते थे कि घर हमारा हमारे हिसाब से बने, हमारे तरीके से बने, हमारे पर्सनालिटी को दिखाए कि हम किस तरीके से सोचते हैं, रहना चाहते हैं. सो दैट्स व्हाई ये हमने सोचा कि पहले इंटीरियर्स करवा लेते हैं एंड देन वी विल शिफ्ट. वंडरफुल. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट बिकॉज ये एक टू एंड फ्रो वाली बात है कि आप करोगे आगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज अगर बना बनाया फ्लैट ले लोगे तो वो कैरेक्टर, वो पर्सनालिटी, वो फील कभी भी घर में आएगी नहीं. आपको आपको अपना घर अपना कभी लगेगा ही नहीं. बिल्कुल. भले कुछ भी कमी रही हो पर घर हमेशा अपना तब लगता है जब आपने खुद बनाया होता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो दैट्स हाउ. ओके सो देन ये सब सोच लिया, देन हाउ डिड यू चूज वुडोफा? हाँ सो वो भी एक जर्नी थी आई विल से. सो पैंडेमिक था और काफी टाइम था हमारे पास, कहीं जाते नहीं थे तो घर से. पूरा फर्स्ट वेव था मेरे ख्याल से वो जब 2020 सेकंड वेव था और पीक पे आने वाला ही था. सो वी स्टार्टेड आवर सर्च. सो ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड विद गूगल एंड लिंक्डइन. गूगल लोगों से पूछना ये सब करना शुरू किया हमने एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल द सर्चेस एंड आई थिंक द मेजर पार्ट जो प्ले किया वुडोफा को सेलेक्ट करने में, आई थिंक शशांक दैट वाज यू एंड योर यूट्यूब चैनल. एब्सोल्युटली 100%. तो मैंने बहुत सारे अलग अलग इंटीरियर्स का वेबसाइट विजिट किया, उनके पोर्टफोलियोज देखे, क्या काम किया उन्होंने, बट द एज विच यू हैड वुडोफा हैड राइट एट दैट टाइम इवन आज भी आपका जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप आते हो, आप टिप्स एंड ट्रिक्स देते हो या जो आप अलग अलग घर जो आपने बनाए हैं वहाँ पे आते हैं और हमें टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलते हैं. सो दैट वाज वन थिंग ड्यू टू विच आई थॉट ओके आई विल गेट कनेक्टेड टू दिस टीम एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड विद योर सेल्स पर्सन एंड इवेंचुअली वी स्टार्टेड वर्किंग. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के अवरेंद्र, बिकॉज ये आपसे नहीं, मुझे बहुत लोगों से ये फीडबैक मिला है. मुझे लगता है कि एक रियल वैल्यू कनेक्ट की मिल जाती है लोगों को क्योंकि लोग असली वीडियो देख पाते हैं, क्योंकि अभी हम जो घर बना रहे हैं ऑल ऑफ दिस इज रियल, दिस इज नथिंग फेक्ड, वेयर एज पिक्चर्स आर कैन बी फेक. सो एंड आई हैव सीन पीपल दे समटाइम्स ट्राई टू फेक दोस पिक्चर्स और उससे होता क्या कि वो रियल वैल्यू नहीं मिल पाती. वीडियो चाहे कैसा भी है वो रियल है. सो इट हेल्प पीपल टू चूज आई फील. सो अच्छा तो इनका जब आपने सब सेलेक्ट कर लिया सो अपने निधि वॉज द डिजाइनर फॉर यू, सो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद हर? So well, because I remember छोटा सा बीबी था और आप घर पे काफी टाइम रहते थे, तो आप अपनी जर्नी शेयर करो कि आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस था. तो स्टार्टिंग में तो आई थिंक हम लोग ऑफिस में मिले थे निधि से. मिले थे हाँ ऑफिस में जब हम निधि से मिले थे तो मैं अभी भी 18 मंथ्स का था, 8 months. तो तब वही हम लोग उसका खाना वाना लेके आए थे तो निधि लैपटॉप में शोकेस कर रही थी, अच्छा ये चीज़ें हम ये चीज़ें ऐड ऑन करेंगे. दैट वाज जस्ट द फर्स्ट मीटिंग विच वी हैड जिसमें हम पूरा डिस्कशन हो रहा था एंड ग्रेजुअली वी स्टार्टेड. उसके बाद सो आई कुडंट डू अ लॉट ऑफ मीटिंग्स बट यस जहाँ पे भी हमने होम डेकोर का इंटीरियर वगैरह सिलेक्शन किया तो उसमें निधि अकंपनीड अस एंड निधि ने सिलेक्शन ही करवाया. सब कुछ निधि का यहाँ पे सिलेक्टेड है. आप आगे चल के पेंटिंग्स वगैरह या जो भी शो पीसेस वगैरह देखेंगे वो सारा निधि का ही हमारा से. हमारा तो हार्डली कि अच्छा हाँ ये अच्छा है ठीक है लग रहा है कि नहीं, बट लाइक हमारा 15% था, निधि का 85% था ऐसे कह सकते हैं. सो इट वाज लाइक निधि ने हमने सब कुछ, इनफैक्ट कलर्स एंड सब कुछ, वॉलपेपर सब कुछ, इनफैक्ट यहाँ तक के पिलो कवर्स भी सब कुछ निधि ने हमें सजेशंस दिए, ऑप्शंस दिए व्हिच वी रियली लाइक. दैट्स व्हाई वी वेंट अहेड एंड वी आर रियली हैप्पी विद व्हाटएवर द आउटपुट वाज टुवर्ड्स द एंड. थैंक यू. सो ये तो काफी तारीफ हो गई. आपका कैसा एक्सपीरियंस था डिजाइन के टाइम पे? बिकॉज आई रिमेम्बर आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे बिकॉज मिंका वॉज बिजी एट होम एंड विद द किड, बट आपका रियल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था तो विद निधि एंड द डिजाइन टीम एंड द डिजाइन एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका विद वुडोफा? सो हाँ आई एग्री विद मिंका. निधि के साथ मतलब हमारे थॉट्स थे कि हमें घर कैसा चाहिए बट वो कैसे बनेगा हमें नहीं पता था राइट. सो हमने पिक्चर्स देखी थी, हमने मैगजीन्स देखे थे बट कहाँ पे क्या चीज़ होगी या ये कलर सही जाएगा. समटाइम्स जैसे मेरा था कि नहीं मुझे ये ब्लैक चाहिए या मुझे ग्रे चाहिए, बट निधि वाज लाइक नहीं सर यहाँ पे यही अच्छा लगेगा. सो आई सेड ओके फाइन आपको ये करना है आप ये करो, अगर आप डिजाइनर हो आपको ज़्यादा पता है आप कर लो, आई एम ओके विद दैट एंड आई एम प्रीटी हैप्पी जो आउटकम है एंड आई कम्प्लीटली एग्री. कि हमने बस एक थॉट दिया था कि हमें घर कैसा चाहिए, टोन कैसा चाहिए, बट ओवरऑल
कहाँ क्या होगा, किस कलर से क्या जाएगा, वो सब थैंक्स टू निधि, वी आर प्रीटी हैप्पी विद दैट. वेरी गुड एंड गुड गुड, काफी काफी तारीफ. सो आई फील जितना मुझे पता है, बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिजाइन के एक्सपीरियंस में निधि को रिव्यू करता था. सो हमारा इंटरनल प्रोसेस है कि आई ऑलवेज रिव्यू विद द डिजाइनर्स व्हाटएवर दे आर डूइंग एंड देयर ऑल सीनियर पीपल देयर ऑल. सो हमारा सब थॉट क्या होता है ना डिजाइन पे कि दिल से घर बनाना है, कॉस्ट वगैरह सब सेकेंडरी है, कोई गलती नहीं हो जाएगी सेकेंडरी है, बट घर बनाने में दिल जब तक एज अ डिजाइनर आपके साथ नहीं जुड़ेगा, उसका या मेरा या आपका, तब तक वो घर वैसा बनेगा ही नहीं. सो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है हम सब में, आप भी अच्छे थे और हम लोग भी अच्छे हैं, कि दिल से घर बनाया, कोशिश नहीं करी कि कुछ भी सिर्फ जबरदस्ती का लगा के और आगे नेक्स्ट डायरेक्शन में चलते हैं. बिकॉज आई विल शेयर स्मॉल एक्सपीरियंस विद हर कि जब आपकी पेंटिंग्स भी चूज कर रही थी तो उसने मेरे से रिव्यू करी, तो मैं और ये बहुत पर्टिकुलर थी, एक पेंटिंग मुझे बहुत पसंद थी, मैंने कहा ले ले, और उसने मेरे को लेने नहीं दी. बोले सर मेरी जिम्मेदारी है, घर मैंने बनाया है, आई एम द डिजाइनर, आई नो इट, एंड इट गिव्स मी रियल सेंस ऑफ प्राउडनेस कि अच्छा मेरा डिजाइनर जब ये बोलता है ना कि सर मेरी जिम्मेदारी आप छोड़ दो, तो आई फील गुड अबाउट इट कि अच्छा यार अपनी ओनरशिप से काम कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ बनाना है, कुछ घर में डालना है और आप एक नेक्स्ट घर में चले जाना है, ऐसा नहीं करना है. सो आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर डूइंग दैट. तो और बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे मतलब जनरली मना नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो मैं बोलता हूँ, बट बहुत कम लोग हैं जो मुझे ऑब्जेक्ट करते हैं. मुझे फिर अच्छा लगता है कि नहीं, शी इज सेइंग समथिंग व्हिच शी रियली बिलीव्स इन, तो मुझे अच्छी बात लगी, तो मतलब थोड़ा और ला लूंगी. कूल है. सो डिजाइन एक्सपीरियंस तो मेरे को पता है बहुत सही था. सो जब हम आप एग्जीक्यूशन करने लगे तो मुझे पता है कोरोना का थोड़ा टाइम चल रहा था, थोड़े गैप्स चल रहे थे, कुछ लोग आ पा रहे थे, कुछ लोग नहीं आ पा रहे थे, तो कैसा आपका ओवरऑल चल रहा था कि मतलब आप इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स को लेके, इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट को लेके कहीं डिफिशिएंट तो नहीं था वोडाफोन और आपके बीच में, कि ऐसा तो नहीं था हम गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे आपके घर पे? मैं कभी ये नहीं बोलूंगा मुझे कोई ट्रस्ट डेफिसिट था, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं हार्डली आता था. शुरू के 3-4 महीने तो मैं आया ही नहीं था, आई थिंक शुरू के 3 महीने तो मैं आता ही नहीं था, क्योंकि कोरोना का टाइम था एंड मैंने छोड़ रखा था कि जो भी हो रहा है. सो द टाइम जब घर ऑलमोस्ट कंप्लीट होना शुरू होने लगा था, तो मैं रात को आ जाया करता था, पास में रहता था और आई यूज टू कम एट नाइट, एंड जो भी होता था मैं फोटो खींच के फीडबैक दिया करता था कि ये है और ये है. सो देयर वाज नेवर अ ट्रस्ट डेफिसिट. शायद लास्ट में जाकर मैं थोड़ा सा पैनिक था, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर डेट को शिफ्ट करना था एंड वो डेट अप्रोच, दैट डेट वाज अप्रोचिंग राइट. सो एक कहीं ना कहीं एक पैनिक था मेरे पास, मेरे साथ, एंड बस वही था, बस ट्रस्ट का कभी इशू नहीं था. तो गाइस मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, मतलब ये सबके साथ होता है अवरेंद्र. सोचो कई लोग हमारे साथ घर बनाएं, किसी और के साथ घर बनाएं, जो लास्ट के 15 दिन का पीरियड होता है ना, ये ऑलवेज डिफिकल्ट टाइम होता है, बिकॉज चीजें दिख रही होती है पर वो छोटी छोटी चीजों को करने में टाइम लगता है और लोग वो समझ नहीं पाते कि अच्छा अब ये 15 दिन मैं नहीं दूंगा तो घर में वो चीजें छूट जाएंगी, और एक बार छूट गई तो बाद में वो दोबारा होनी मुश्किल है या डिफिकल्ट हो जाती है. और ये हर किसी के साथ होता है, मतलब समझो कि 90% ऑफ द यूजर्स एंटर इनटू द पैनिक स्टेज. हम ये बोलते हैं पैनिक मत हो, सब होगा, जब 3-4 महीने अच्छे से किया तो 15 दिन क्यों नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, कुछ छूट जाएगा उसको ठीक भी करेंगे, दोबारा कुछ होगा उसको भी करेंगे, पर आप पैनिक मत हो. तो मैं हर बारी हर क्लाइंट को समझाता हूँ, बहुत बारी वीडियोस पे समझाता हूँ कि पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू ट्रस्ट योर डिजाइनर, यू हैव टू ट्रस्ट योर टीम. वो गलत नहीं बनाना चाहता, गलत नहीं बनाना चाह रहा है या उसकी टीम चाह रही है, बस विश्वास रखो बनेगा सही. तो लास्ट 15 दिन का पीरियड जो है ना वो उस हेजी पेजी मोड में जाता है, तो ये हमेशा होता है. समझो आपके साथ भी हुआ. मैं तो काफी पैनिक में था. ओके, सो अच्छा मेरे को बताओ व्हाट इज द बेस्ट piece in the house for you. कि आपके घर में सबसे अच्छी favorite object कौन सा है आपका? चाहे वो sofa हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, room भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Where you feel really good, आपका दिल soul मिलता है उसमें? मेरे लिए शायद मेरा drawing room ही है सबसे अच्छी जगह मुझे जो लगता है, बट मैं यहाँ सबसे कम बैठता हूँ. बट हाँ शायद ड्रॉइंग रूम मेरा सबसे पसंदीदा जगह है मेरी, क्योंकि शायद ये मेरी पर्सनालिटी को दिखाता है, मोस्टली वाइट टोन में है, सटल है, सो आई लाइक इट, एंड थोड़ा सा कलरफुल भी है, तो इसलिए शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ये. बट ऑफ कोर्स पूरा घर तो है ही, बट हाँ ये शायद ज्यादा बेटर है. इनका आपके लिए फेवरेट ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस?
सो प्लेस आई वुड से कि मेरा वहां पे स्टडी टेबल जो बनाया है हमने अलग से, और जो भी वो मेरे लिए बना था मैंने कब्जा कर लिया उसको, तो वो मैंने ले लिया है और मैं ही उसके चौक मतलब उसके सातों दिन मैं ही यूज करती हूँ. और सोफा वहां पे लगा हुआ है, सो दैट्स वेरी पीसफुल एंड कम्फर्टिंग फॉर मी. चाहे मैं वहां पे वर्क, अगर मैं नहीं भी वर्क कर रही होती हूँ, आई जस्ट गो देयर एंड सिट, अगर फोन पे देख लिया तो वो मेरा एक ऐसा एरिया है कि वहां पे मैं जाके मैं कभी भी बैठ सकती हूँ, वेदर आई एम वर्किंग देयर और आई एम नॉट वर्किंग देयर. सो वहां पे मुझे इतना पीस मिलता है रह के कि मतलब बाहर लगता है घर से बाहर आके कि छापे को अपने घर रूम से बाहर आओगे, मुझे बहुत सारे काम ऐसे तो करने ही है, तो वहां पे जाके अच्छा थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है. तो इसलिए मेंटली बहुत पीसफुल रहता है वो मेरा एरिया, जो मेरा सोफा वाला एरिया है. वेरी गुड, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर आप, मैं इसको बोलता हूँ सोलफुल ट्रीट, तो हमारे आत्मा को बिना ट्रीट चाहिए होती है. और हम लोग सब लोग बिजी हैं, आप अपने ऑफिस में बिजी हो, आप घर के कोर्स में ऑफिस में बिजी हो, और एज ए लेडी ऑफ द हाउस तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज सभी कुछ करना है ना, घर भी मैनेज करना है, ऑफिस भी मैनेज करना है, बच्चा भी देखना है, पेरेंट्स भी देखना है. तो अच्छा है. सो एंड व्हाट एल्स यू सी, व्हाट इज अ पॉजिटिव प्लेस इन योर हाउस वेयर यू फील वेरी पॉजिटिव, वेयर यू फील वेरी एनर्जेटिक? सो जैसे मेनका हैज मेंशन कि वो वहां पे जो कॉर्नर है हमारा मास्टर बेडरूम के अंदर, सो ऑफ कोर्स आई आल्सो लव दैट. क्योंकि पहले क्या था, जब हम पहले जिस घर में रहते थे तो हमारा मास्टर बेडरूम ऐसा बड़ा सा नहीं था, ये मास्टर बेडरूम काफ़ी बड़ा है. एंड वी थॉट, हमने ये विजुलाइज किया था कि हमारा जो भी मास्टर बेडरूम होगा वहाँ पे दो चेयर्स होंगे जहाँ पे हम शाम को बैठ के कॉफ़ी पिया करेंगे. एंड जब हम आपसे मिले, निधि से मिले, तो हमने बोला कि हमें वहाँ पे कुछ चाहिए ऐसा, एंड वी हैव दैट. सो अगेन सेम लाइक मेनका के लिए जैसे है, मेरे लिए भी है. जब वहाँ पे दोनों हम साथ में बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट टाइम. जब हम दोनों होते हैं, सिर्फ हम दोनों होते हैं, हम आपस में बातें कर रहे होते हैं, सो वो एक सच में मेंटल पीस मिलता है, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम. लवली, सो गुड टू हियर, सो गुड टू हियर. आपके लिए Yes, yes, and there's one more space, like the balcony of our house. Yeah. So it's actually a very huge balcony. That balcony, this balcony is also very nice. So the reason for being a very positive balcony is because जब भी मेरा baby नहीं खाता है, मैं उसको balcony में ले जाती हूँ, नीचे दीदी भैया दिखाती हूँ, वो truck देखता है दूर से और बताता है कि अच्छा कार नीचे गई, तो उस बीच में उसको खिला सकती हूँ. सो यहाँ पे actually space इतना ज़्यादा अच्छा है balcony का कि वो इधर उधर घूम फिर भी सकता है, मैं भी उसके पीछे पीछे लेके दौड़ सकती हूँ. तो वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे बैठना बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैं वहाँ भी बैठ जाती हूँ. बट यस, बेबी के पर्सपेक्टिव से बालकनी इज वेरी मच हेल्पफुल. और पॉजिटिव प्लेस है जो मुझे एक वाइब देता है, अगेन जैसे मैंने बोला ड्रॉइंग रूम, एंड हमारा मंदिर जो है वो ड्रॉइंग रूम का हिस्सा है, बहुत सुंदर है. बट जब भी मैं इसके लाइट्स को टर्न ऑन करता हूँ और देखता हूँ, तो एक अलग सी वाइब आती है मुझे, एंड आई फील वेरी पॉजिटिव हियर. मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड करता हूँ पॉइंट, बिकॉज जब ये मंदिर यहाँ बन रहा था तो निधि ने बहुत ही स्पेसिफिकली, कि पूजा की जगह मिल नहीं रही थी अलग से घर में, पहले हमने इधर हमें नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में चाहिए था, पहले हम यहाँ पर सोच रहे थे, फिर कहीं और सोच रहे थे, पर हमें मिल नहीं पा रहा था. एंड यू आर वेरी स्केप्टिकल कि यार ये टीवी यूनिट के साथ ना यार ये ओपन स्पेस कभी प्राइवेट स्पेस को इंक्लूड ना करे, मतलब क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ कैरेक्टर अलग है और मंदिर के सामने कैरेक्टर अलग हो जाता है. मंदिर के सामने यू बिकम मोर पॉजिटिव, यू बिकम मोर सटल, यू बिकम मोर आई मीन काम. फिर आप अगर पार्टी कर रहे हो तो ड्राइंग रूम में वैसा नहीं होता, इट्स अ स्पॉइलर स्पेस. तब मैं और ये बात कर रहे थे, हमने कई बार डिस्कस किया यार यहाँ डाले कि नहीं डाले, और मतलब हमने इंटरनली कई बार डिस्कस करके सोचा है, पता नहीं यार ये कभी ऐसा तो नहीं प्राइवेट स्पेस को इंक्लूड करेगा, मतलब आप नहीं सोच रहे थे पर हमारे दिमाग में चल रहा था कि यार ये प्राइवेट को इंक्लूड तो नहीं करेगा, कोई यहाँ बैठ के मान लो कोई ड्रिंक्स ले रहा है एग्जाम्पल, और मंदिर सामने है तो यार पता नहीं ये ठीक बैठेगा नहीं बैठेगा. ड्रॉइंग रूम में डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ सोफा मंदिर की प्लेसमेंट्स कम होती है, पर ये जब बन के आया एंड आई फेल्ट कि यार इट इज सच अ नाइस प्लेस, यहाँ पर बैठ के आप घंटों भी बैठ सकते हो, मतलब यू डोंट फील बैड अबाउट इट. तो ये एक अच्छी स्पेस आपकी टीवी यूनिट के बाजू से निकल आई, बिल्कुल, और बड़ी वॉल थी तो और भी अच्छा लगने लगा, बिल्कुल. जब निधि कहती थी सर टीवी यूनिट में मंदिर बना देंगे, मैं था कि यार टीवी यूनिट में मंदिर कैसे बनेगा, टीवी यूनिट में तो टीवी रहेगा, बट जब बना तो पता चला अच्छा ऐसा दिखेगा. बहुत चैलेंजेस आ रहे थे ना वास्तु के अकॉर्डिंग, ये कॉर्नर मिल रहा था लिविंग एरिया में कि हमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, स्पेसिफिक है कि वहीं पे लेना है, देन वी प्लान कि चलो यहीं पे करते हैं, और ये बन के फाइनली इसका लुकअप भी अच्छा आ जाएगा. बिल्कुल. अच्छा, निधि का क्या अच्छा
प्लेस है पूरे घर में ही बताओ मेरा पूरा मोस्टली लिविंग एरिया बिकॉज ये काफी जैसे हमने सोचा था इस लैमिनेट के बारे में काफी डिस्कशंस हुआ था लास्ट टाइम भी डिस्कस की पहले कुछ लैमिनेट ले रहे थे देन कुछ लैमिनेट देन फाइनली मैंने ये वाली लैमिनेट आपको भेजी देन मेरे को लगा कि ये लैमिनेट इस सोफे के साथ ज्यादा अच्छे से जाएगी देन वी डिसाइड कि ये लगाते हैं So, इसका भी एक इंटरेस्टिंग है मतलब ये लैमिनेट लग गया था फिर कोई आया था यहाँ पे ऐसे घर पे देखने तो ये लाइक अच्छा आपने मार्बल लगवाया है तो पहले मैंने एक बार सोचा हाँ बोले तो हमारा मार्बल ही है फिर मैंने कहा नहीं यार ज्यादा हो जाएगा तो मैंने कहा नहीं नहीं लैमिनेट है तो ये सारा पूरे फील के साथ काफी परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है वो ना सारा फील के साथ सो दैट कपल वाज नॉट एबल टू अच्छा ये मार्बल नहीं है नहीं फील तो वैसे ही है सर उन्होंने आकर टच किया था कि मैं सच बोल रहा हूँ नहीं अच्छा है बिकॉज जब पूरा घर का टोन बनता है ना विंडो तो मतलब क्योंकि आप एज अ क्लाइंट एज अ लेमेन उतना विजुलाइज नहीं कर पाते हो बट वी एज डिजाइनर्स भी अंडरस्टैंड कि कौन सा कलर किसके साथ सिंक हो रहा है तो हमें समझ में आता है कि नहीं यार ये इनहेंस करेगा वैल्यू को या खराब करेगा तो मतलब एज अ डिजाइनर कॉल लेनी होती है कि कई बार पुश करके आपको कई बार जबरदस्ती भी कराना होता है नहीं ले लो बिकॉज आई रिमेंबर जब सोफे का डिस्कशन हो रहा था तो हमारा इनिशियल डिस्कशन ग्रे पे था आप इसको पूरा मोनोटोन बनाने वाले थे बट बाद में हमने इसके अंदर एक कलर को ऐड किया व्हिच इज अ ब्लू कलर एंड वी जस्ट सेटिंग इट इज सच अ नाइस कलर व्हिच गिव्स यू सच अ गुड रियल लग्जरी व्हेन समबडी एंटर्स इनटू योर हाउस तो एक अच्छा फैक्टर ऐड हो गया डेफिनेटली तो मजा आया तो अब मतलब ओवरऑल स्टोरी अगर हम घर की बात करें तो पहले जैसे रहते थे और आप रहते हो तो क्या फर्क है पहले रहते थे तो नॉर्मल घर में आते थे ठीक है घर पे आए बीवी बच्चे हैं अच्छा लगता था अब आते तो बीवी बच्चे तो है ही एड ऑन ये भी है कि घर देखने में सुंदर है अच्छा लगता है बैठ के ओपन है डेकोर अपने हिसाब से है और कम चीज़ों को यूज़ करते हुए एक अच्छा घर बना है सो हमारे पास स्पेस भी काफ़ी है सो स्पेसियस लगता है सो जैसे मैंने स्टार्ट में भी बोला था कि सोसाइटी भी सफोकेटेड सी फील नहीं होती है सो ऑफकोर्स मेरा घर भी मुझे सफोकेटेड नहीं लगना चाहिए And I think we have achieved that using less of, I will say, products. So I don't know, sir, कुछ कोई भी डिजाइन इसको बोलते हैं. I don't know what design it is called, contemporary or whatever it is. Modern design. So उस पे जाते हुए yeah, I have a spacious house और अच्छा लगता है घर में आके जहाँ भी बैठता हूँ spacious सा लगता है अच्छा भी feel good. लग्जरी फीलिंग आती है और पहले तो ठीक है हम घर में आ रहे हैं बट यहाँ पे लग्जरी विद कम्फर्ट है वेरी गुड प्ले अभी जो मुंका ने बोला ना कि लग्जरी तो है और उसके साथ जो फंक्शनैलिटी है जो उसके साथ कंफर्ट है जो उसके साथ पीस है जो उसके साथ कामनेस है वो सब कुछ एक किटिंग में मिल जाए तो वो अच्छा है तो मुझे लगता है आपका घर वो सब पैरामीटर्स के ऊपर फिल करता है क्योंकि आप लोग वैसे हो अगेन क्योंकि आपका कैरेक्टर वैसा है तो आपका पर्सोना इस घर में ओवरराइड कर रहा है तो इसलिए आपको घर अच्छा लग रहा है हो सकता है किसी को ना अच्छा लगे किसी को अच्छा लगे पर ये आपका घर है तो इसलिए आपको अच्छा लगे बिल्कुल बिल्कुल सो That is how it is. So now we are nearly end और मुझे end आते आते हमेशा लगता है अरे खत्म क्यों रही है conversation एक क्यों नहीं मैं आगे कर पा रहा but obviously इसको end करना है and आप कुछ last point of comment for our viewers for our people who are watching this wanna give it to them. So मेरा तो simple है जब भी कोई घर बनवाने जाओ तो आप अपने views के साथ जाओ thoughts के साथ जाओ but अपने interior designer का भी सुनो ऐसा नहीं जो आपको सिर्फ चाहिए वही चाहिए बिकॉज वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल लुक वी कांट विजुअलाइज थिंग्स सो दैट कैन बी डिजास्टर्स थिंग्स कुछ चीज़ों का है स्पेसिफिक है कि ये चाहिए दैट्स फाइन गो विद दैट बट हैव सम स्पेस जहाँ पे कि आप जो इंटीरियर डिजाइनर आपको सजेस्ट करें उस चीज को आप फॉलो करो एंड हैव सम फेथ इन योर डिजाइनर लवली दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से गुड टू हियर आप बताओ I would actually resonate Avi's feelings like because I would like to take an example जैसे master bedroom में वो हमने एक laminate लगा के पूरा
डोर वैसा लगाया कि अच्छा दिखता नहीं है कि अच्छा एक अंदर भी एक रूम है, एक ड्रेसर एरिया है. सो वो वैसा आइडिया, वैसा कॉन्सेप्ट हम एक्चुअली सोच भी नहीं सकते थे, जो कि बहुत ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ एंड दैट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल एरिया फॉर अस. सिमिलरली जो हमारा बाहर वाला मेन गेट का एरिया है, तो वहाँ पे जिस तरीके से हमें सजेस्ट किया गया था, वी कुड नेवर थॉट कि मतलब ऐसे टर्न आउट होके आएगा. इनफैक्ट आवर नेबर्स आर ऑल्सो सेइंग यार हम भी आपसे कॉपी कर रहे हैं. आप जाते हो देख लेना. सो दैट इज हाउ, बिकॉज यू नेवर नो कि अच्छा जहाँ पे आप मतलब जैसे आप उडोफा के पास जाओगे तो मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट ऑफ सजेशंस. सो बी ओपन टू देम, बी लिसन, आई मीन बी go with an open ear, open mindset. They have a lot of suggestions. They will truly take care of you, like they have taken care of us. And just to add one example before we end, so हमें आ था कि बेड के ऊपर हमें पेंटिंग्स नहीं चाहिए मास्टर बेडरूम में. मेनका वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि नहीं मेरा बेटा इसको टच करेगा और ये सर पे गिरेगा. एंड निधि वाज नहीं सर वहां तो देना है. सो एंड मेनका वाज नहीं चाहिए. सो आई वाज लाइक ओके मैं क्या करूँ. सो मैंने कहा अच्छा ठीक है एक बार निधि को खरीदने देते हैं. सो ट्रस्ट मी हमने वो पेंटिंग्स नहीं खरीदी हैं घर में. जैसे मेनका ने पहले बोला था हमने नहीं खरीदी है पेंटिंग्स, निधि ने खुद जाके खरीदी है. निधि का सर मैं ऐसी पेंटिंग खरीदूंगी जो गिरेगी नहीं, बेटे से के हाथ में नहीं आएगी. दे रियली लाइक्ड इट एंड द बेस्ट पार्ट मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेनका वॉज वेरी पर्टिकुलर की पेंटिंग नहीं चाहिए. लगने के बाद से शी वॉज लाइक अच्छा यार. सो इट वॉज गुड. अगेन गुड जॉब निधि शर्मा. So thank you guys for watching us till the end. See you at another sofa from Woodofa. Signing it off, Shashank Jain.